चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करो. अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैज अ मीन डायमीटर डी, कैपिटल डी. इट हैज एन लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ एन टर्न्स ईच. इफ इट कैरीज अ करंट स्मॉल आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, कितना होगा. सबसे पहली बात, सोलेनॉइड जब आप एक बनाते हो, ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है. जैसे ये पी पॉइंट है सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, ठीक है. और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको म्यू नॉट की वैल्यू, यानी अंदर मीडियम क्या है वो इंपॉर्टेंट है. दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन. और आई क्या है, करंट जो इस सॉलिड के अंदर करंट फ्लो हो रही है. तो इन तीन पैरामीटर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है. लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती है, इन दोनों पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है. किन पे डिपेंड करती है, अंदर का मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट, ये तीन पैरामीटर है जिन पे डिपेंड करती है. तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए. प्रोपोर्शनल टू डी नहीं हो सकता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट ऑफ डी ये अप्रोप्रिएट है. लेंथ के भी प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है. तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.